बाजार से हमने 49.20 रुपए मतलब हो गया मैडम। अच्छा तो अभी आपका करंट प्राइस जो है एवरेज करते करते 49.20 पर आ चुका है और लगातार नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर 52.53 पर लेना शुरू किया था और हम देख रहे थोड़े ऊपरी लेवल्स पर आपने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की थी और एवरेज करते करते जो इनका प्राइस आ चुका है वो है 49.20 और उसी के पास अब स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। अविनाश जी आपसे सवाल लेंगे, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या राय देंगे स्टॉक में, अभी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और स्टॉक, कोई और बैंकिंग स्पेस में ही कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा हो वहां पर निवेश करने की सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग पूजा, देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदा है, लेकिन बैंक अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और ये नया लिस्टेड स्टॉक है। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने अगर 49 का एवरेज लेके इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्युमुलेट की है तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करिए, कम से कम एटलीस्ट एक 12 महीने का व्यू रखिए क्योंकि नंबर्स आएंगे सितंबर के, उसके बाद बिजनेस कमेंट्री आएगी। लग तो रहा है कि डेफिनेटली सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक देखे जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, इक्विटास है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफी इंप्रूव हो चुका है। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई आपको होगी, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लंबा स्पेंड करना जरूरी है, शॉर्ट टर्म में नहीं बट कम से कम अगले 8 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।